आप इस मशीन से महीने का 40 से 45 हजार रुपया कमा सकते हैं। कैसे यूज करना है, कैसे आप इससे मुनाफा कमा सकते हो, आपको SM Incubators की तरफ से पूरा गाइडेंस मिलेगा। आप इस मशीन में वीकली 3333 एग्स रख सकते हो, मतलब 3333 एग्स आप हर हफ्ते मशीन में रख सकते हो। वेलकम बैक टू SM Incubators दोस्तों। SM Incubators में आप सभी का स्वागत है। हम अकोला में फिटिंग के लिए आए हैं। आप देख सकते हो 15,000 कैपेसिटी का जो मशीन आपको दिख रहा होगा, इस मशीन में 10,000 कैपेसिटी का सेटर और 5,000 कैपेसिटी का हैचर, जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट था उस हिसाब से हमारे SM Incubators ने डिजाइन करके बनाया हुआ है। आप देख सकते हो अभी इसका पूरा इंस्टॉलेशन होगा और आपको पूरा डिटेल में दिखाया जाएगा। तो आप देख सकते हो सब पूरा गाड़ी में आके पैक हुआ है। पैक होने के बाद अकोला में पूरा डिलीवर हो गया है। अभी इसके बाद पूरा रेडी करके बताएंगे कि मशीन किस तरीके से है, कैसे यूज होता है, कैसे उसको यूज करना है। और SM Incubators का ये जो न्यू मॉडल है वो कस्टमर्स के हिसाब से डिजाइन किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जब तक मशीन अनलोडिंग हो रहा है तब तक हम सर से मिलते हैं। वेलकम है हमारे चैनल पे आपका। तो आपको हमारा जो कॉन्टेक्ट है आपको कहाँ से मिला, मतलब आप कहाँ हमारा प्रोडक्ट देखे तो आपने ये 10,000 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर्स बाय किए, वो हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे हम। मेरा नाम गोकुल सोलंके है। ये हमने अपना ट्रावल ऐड देखा था यूट्यूब पे, तो ये मशीन हमने यूट्यूब पे देखा तो ऐसा लगा कि हमको ये अच्छी जग रही है, इसलिए हमने वो तुमको कॉन्टेक्ट किया। तो ये मशीन पसंद आ गई तो इसलिए हमने ऑर्डर किया। और आपको कैसा लगा, मतलब आपका जो एक्सेप्टेड डिलीवरी डेट दिया था उस टाइम पे मिला या कैसा? नहीं, जो टाइम दिया वो टाइम पे मिला। आज हमारा सेकंड डे है जो कि हमारा फर्स्ट डे में सेटिंग हो रहा था। अभी पूरा मशीन प्रॉपर तरीके से रेडी है और ये हमारे सर है जो हमारा मशीन बाय किए हैं, यही यूज करने वाले हैं। तो जैसा इनको मैं पूरा मशीन के बारे में डिटेल्स दे रहा हूँ वैसा किसी को पूरा डिटेल में जानना होगा कि मशीन कैसे यूज करना है, मशीन में कैसे सेटिंग करना है, कैसे टेम्परेचर सेट करना है, और पूरा डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों, कुछ भी टॉपिक मिस मत कीजिए। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है मशीन का, कैसे यूज किया जाता है मशीन को पूरा डिटेल में समझाएंगे। वीडियो में जरूर बताइए कमेंट में आपको ये मशीन 10,000 कैपेसिटी का सेटर और 5,000 कैपेसिटी का हैचर कैसा लगा, वो मेरे को कमेंट में जरूर आप मेंशन कीजिए आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा मशीन चालू कर देते हैं। तो दोस्तों हम पूरा मशीन को अभी ऑन कर देते हैं। अभी इसमें जो मशीन में जो स्टाइल्स लगने बाकी है, मशीन पूरा रेडी हो गया लेकिन इसका नीचे का स्टाइल्स लगना पेंडिंग है। अभी देखो मशीन को मैं चालू कर रहा हूँ, देखिए ये पूरा सभी सिस्टम चालू हो गया। ये ह्यूमिडिटी बंद कर दे रहे हैं क्योंकि अभी पानी का वाटर सिस्टम नहीं है तो भी रख देते हैं। अब देखो वीविंग विंडो आता है SM Incubators की तरफ से, आपको इतना बड़ा वीविंग विंडो आता है जो कि आप पूरा इनसाइड व्यू देख सकते हो। नीचे स्टाइल्स लगना पेंडिंग है, जब लग जाएंगे तो पूरा प्रॉपर हो जाएगा। वेट में एकदम डिसेंट वेट एंड ड्राई मीटर लगाया गया है दोस्तों। आप देख सकते हो कितना वेट एंड ड्राई आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये ड्राई यानी टेम्परेचर होता है, वेट यानी ह्यूमिडिटी होता है। आपको इसमें ये ड्राई का जो मर्क्यूरी दिख रहा होगा, मर्क्यूरी में पारा भी दिख रहा होगा जो आपको अभी शो हो रहा होगा। देखो वीडियो में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, देखो आपको शो हो रहा होगा 85 के ऊपर आपको टेम्परेचर दिख रहा है। और वेट है, अभी तक वाटर लगाया नहीं है, हम आपको वाटर डालेंगे तो आपका ह्यूमिडिटी मेंशन करेगा। ये आपको मैं अभी डोर ओपन करके बता रहा हूँ। ये पूरा पैनल है और डोर पे आता है इस इंक्यूबेटर्स का। उसके बाद इसमें 5,000 के दो सेटिंग्स ट्रॉली आती है। आप देख सकते हो कितनी हेवी में बनी है, पूरा 45 डिग्री इंडस्ट्रियल लेवल में बनी हुई है ट्रॉली। आप देख सकते हो आप अच्छे से, मतलब आपको उसमें 45 डिग्री टर्न होता है। ये फर्स्ट ट्रॉली और ये सेकंड ट्रॉली, ऐसा जरूरी नहीं होता ये फर्स्ट ट्रॉली है सेकंड है, मेरे को ये राइट साइड लगाना है लेफ्ट साइड लगाना, आपको जिस हिसाब से रखना आप उस हिसाब से रख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ की तरफ आएंगे तो ये है हमारा 5,000 का हैचर जो कि 3,300 का ही आता है, लेकिन कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको 5,000 का चाहिए था तो इसके साथ 10+5 हमने ऐसा इंक्यूबेटर्स बनाया। तो इसका भी हम प्राइमरी ऑन करेंगे, सेकेंडरी ऑन करेंगे, ह्यूमिडिटी वर्क लाइट।
आपको भी हम ये ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर देखो, इसमें भी एक छोटा सा व्यूइंग विंडो आता है, आप देख लीजिए। इसमें भी चार हीटर्स लगे हुए हैं मशीन में, जो कि प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन कर सके, आपका इलेक्ट्रिसिटी जाम ज्यादा ना लगे, इस हिसाब से ये मशीन को बनाया गया है। तो ये जो वेट एंड ड्राई मीटर है, वो टेम्परेचर के साथ कैलिब्रेशन भी कैसे होता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हम सेटर से शुरुआत करते हैं। इसको सेटर कहा जाता है, इसको 5000 कैपेसिटी का हैचर कहा जाता है। अभी ये हमारे पास जो है ये सेटर है। अभी आप देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी ये जो आपको दिख रहा होगा ये 87.3 और 83.9, ये जो आपको दिख रहा होगा ये टेम्परेचर में जो रेड कलर में दिख रहा है वो टेम्परेचर है, और ग्रीन में जो दिख रहा है उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो ये ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर है। उसके बाद ये इसका प्राइमरी सेकेंडरी ह्यूमिडिटी, ऐसे स्विच होते हैं। अभी इसको कैलिब्रेशन कैसे करना है वो बताया जाऊंगा। ये पहले इसमें प्राइमरी हीटर है, सेकेंडरी हीटर है, ह्यूमिडिटी है, वर्क लाइट है, एग्जॉस्ट है, और टर्निंग है, और मैनुअल टर्निंग है। मैनुअल टर्निंग के हिसाब से मैनुअल टर्निंग कर सकते हो। उसके बाद इसको कुछ सेटिंग करने की जरूरत नहीं होती। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा, ये इसका टेम्परेचर 87.8 बता रहा है, और वहां जो दिख रहा है उसके साथ हमको इसको कैलिब्रेशन करना है। तो कैसे किया जाता है आपको मैं बताना चाहूंगा। देखो, मैं आपको पूरा इसमें का वेट एंड ड्राई का अच्छे से दिखाना चाहूंगा। देखो, अभी इसमें जो टेम्परेचर जो दिख रहा है ड्राई में, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा है टेम्परेचर 88 दिख रहा होगा आपको टेम्परेचर। देखिए, मर्क्यूरी में 90 से 2 पॉइंट कम है, तो 88 आपको कैसे टेम्परेचर सेट करना है आपको मैं बता देता हूँ। अब ये जो 88.2 है, अभी तो कैलिब्रेट हुआ है, लेकिन आपको इसको कैलिब्रेट करना है तो मैं आपको यहाँ से बताना चाहूंगा। देखिए, ये काल की को प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस, इसके बाद ये ब्लिंक करेगा, तो आपको इसको अप डाउन कर सकते हो। आपके जो आपको मर्क्यूरी मीटर में जो टेम्परेचर दिख रहा है उस हिसाब से आप उसको कैलिब्रेट कर देते हैं। फिर मेनू सेट बटन डालना है, उसके बाद आपको ह्यूमिडिटी कैलिब्रेट करना है, मतलब जो कि ह्यूमिडिटी कैलिब्रेट हो रहा था वैसे ही ह्यूमिडिटी। अभी हमने वाटर नहीं फिल किया इसमें, तो ह्यूमिडिटी मेंशन नहीं होगा, तो आपको उस हिसाब से ह्यूमिडिटी भी कैलिब्रेट कर देना है। फिर उसको मेनू सेट बटन दबा देना है, फिर आप वापस उस आपके पोजिशन पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको इस मशीन को डोर दोनों ओपन करके बताता हूँ, इनसाइड से व्यूइंग कैसा है देख सकते हो। अभी कोई टाइल्स नहीं लगे है, वो पेंडिंग है हमारा, देख सकते हो। इनसाइड से मशीन पूरा कैसा है, इसमें अंदर पूरा स्टाइल्स आ जाता है। ये मशीन के साथ इंक्लूडेड नहीं होता, ये एक्सक्लूडेड होता है। ऐसे भी इंक्यूबेटर से आपको सेटिंग ट्रॉली, हैचिंग ट्रे और हैचिंग ट्रे ट्रॉली ये प्रोवाइड करती है। ऐसे भी इंक्यूबेटर्स की तरफ से ये सभी आता है, आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलता है। बड़ा प्लांट होगा तो हम खुद विजिट के लिए जाते हैं कस्टमर के पास। आप देख सकते हो इनसाइड में पूरा प्रॉपर वे सिस्टम लगा है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी हीटर लगे हैं जो कि दोनों बेस पे काम करते हैं। टेम्परेचर 99.5 होने के बाद प्राइमरी बंद हो जाता है और आपका मशीन सेकेंडरी पे चलता है, तो ये इसकी एडवांटेज होते हैं। आप देख सकते हो कितना डिसेट पैनल बना है, और इसमें इतना मशीन डिसेट बनने के बाद बावजूद भी हमने यही बल्ब लगाया है, क्योंकि गर्मी के सीजन में आपको समझो सॉरी ठंडी और बरसात के सीजन में आपका मशीन का टेम्परेचर नहीं जा रहा है, तो वहां आप 200 वाट का बल्ब लगा सकते हो जो कि आपका प्रॉपर वे टेम्परेचर आएगा। तो अभी हमने थोड़ा वॉइस कट हो रहा है, इसके लिए हमने आपको फैन बंद करके बताया। अभी देखिए, ये इसका पूरा प्रॉपर 4 ब्लेड वाला फैन आता है, इसके अंदर ये जो गन्नी रिंग लगता है इसको आपको 2 बैच के बाद चेंज करना जरूरी है। हैचर में तो 2-4 बैच के बाद चेंज ही करना पड़ता है, सेटर में लोग 4-4, 5-5, 10-10 बैच रखते हैं। ये जल्दी खराब नहीं होता क्योंकि इसमें बच्चे नहीं निकलते, तो उसमें आपका डस्ट ज्यादा जल्दी आता नहीं है। ये जो पानी है वहां से सोलेनाइट वाल से ये पूरा प्रॉपर वे पानी आता है मशीन के अंदर, फिर ये जाके यहाँ गन्नी रिंग के ऊपर गिरता है, उसके बाद गिरने के बाद इसका ह्यूमिडिटी जनरेट होता है और इससे ही पूरा आउटलेट हो जाता है। देखो, यही गार्ड के बाद इसमें होल लगा है, उससे आउटलेट हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो इस हिसाब से इसका पैनल बनाया गया है, तो यहाँ पे भी 2 होल्स दिए गए। समझो टेम्परेचर आपका हाई जा रहा है, तो आपको यहाँ से एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है जो टेम्परेचर पूरा हीटिंग वाला मशीन का अंदर से निकाल देता है। यहाँ पे एडजस्टेबल लगाया है, समझो आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब बढ़ ही नहीं रहा है, तो आप इसको क्लोज कर सकते हो।
आपका टेम्परेचर ज्यादा जा रहा है तो आप मैन्युअली इसको एडजस्ट कर सकते हो। देखो मैं आपको नीचे से भी बता चाहूंगा, ऊपर से भी दिखाना चाहिए। देखो ये ऐसा ओपन हो जाता है, देखो, और ये ऐसा क्लोज हो जाता है, आप देख सकते हो ऐसा ओपन है, क्लोज कर सकते हो, ये मैन्युअली होता है। उसके बाद आपको ये बोतल में डेली आपको पानी फिल करना है, और इसके बाद इसमें ये जो सेंसर लगा है, ये टेम्परेचर वाला सेंसर है और ये ह्यूमिडिटी वाला सेंसर। आपको ये रिबिन में पानी, मतलब ये ह्यूमिडिटी में, आपको ह्यूमिडिटी में पानी कैसे भरना है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो ह्यूमिडिटी रिबिन है, आपको पहले इसको पूरा गीला कर लेना है, देखो ऐसा पूरा गीला कर देना है। गीला हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर वाटर फिल करना है, आप इसके अंदर पानी डालोगे तो इसमें पानी पूरा भरने के बाद, आप देखो ज्यादा भी नहीं भरना है, यहाँ तक ही भरना है, नहीं तो वहां से गिरते रहेगा। तो इसके अंदर आपको ये ह्यूमिडिटी का रिबिन लगा देना है, और इतना ध्यान रखना है जहां वेट लिखा होगा, मैं यहां से दिखाना चाहूंगा, जहां वेट लिखा होगा, वेट वेट यानी ह्यूमिडिटी होता है, उसी के ही ऊपर आपको ये रिबिन लगाना है, देख सकते हो। और ये ड्राई को ओपन ही रखना है, आप यहाँ से पानी डालो चाहे यहाँ से डालो, आपको इसको इस तरीके से पूरा फिट करके लगा देना है। 10 दिन के बाद ये वॉश करके रिबिन चेंज भी करना है। मशीन SM इनक्यूबेटर्स आपको ये रिबिन भी प्रोवाइड करती है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो अभी हम इसको मशीन को डोर क्लोज कर देंगे, अभी मशीन के ऑनर्स को कहेंगे कि थोड़ा इसको पावर सप्लाई दे दीजिए दोनों को, हम पूरा इनसाइड से भी बताना चाहेंगे आपको और बैक साइड से भी बताना चाहेंगे। डोर क्लोजिंग करने के लिए आपको ये देखिए प्रेस करके बंद करना पड़ता है, इस तरीके से इसका डोर पूरा प्रेस हो जाता है और अच्छे तरीके से बंद हो जाता है। आप देख सकते हो दोनों साइड से मशीन कैसे लग रहे हो, आप देख सकते हो। पूरा ओवरऑल व्यू दिखाना चाहूंगा आपका, मशीन किस तरीके से दिख रहा है। अभी हम हैचर की ओर चलते हैं, इनसाइड से हैचर कैसा होता है वो भी बता देते हैं आपको। सेम कंसेप्ट होता है, अभी ये जो पोजिशन है वो हैचिंग ही प्रोसेस पोजिशन है, लेकिन इसमें हम सेटिंग ट्रे डालेंगे तो उसका सेटिंग अलग हो जाएगा। हैचर और सेटर अलग अलग होता है, हैचर का और सेटर का टेम्परेचर अलग अलग रखते हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने आज तक कभी टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, लेकिन मेरे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा ये बेस्ट टेम्परेचर होता है। आप नोट कर लीजिए, कोई इंक्यूबेटर्स बना रहा है उनके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको तो पता ही होगा कि ये मार्केटिंग तौर पे हमारा एक चैनल नहीं है, हम लोगों तक नए नए चीज़ें पहुँचाते हैं, इसलिए आपको हम बता देते हैं। टेम्परेचर आप सेटर का रखते हो तो टेम्परेचर का आप अभी सब जो ये कंट्रोलर है इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी हीटर्स होते हैं, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा अलग होता है। तभी मैं आपको बताना चाहूँगा सेटर का क्या टेम्परेचर रखना है और ह्यूमिडिटी क्या रखना है। तो सेटर में आपको टेम्परेचर 99.8 टू 99 रखना है, जो कि अभी 87.3 है, वो आपको 99.8 टू 99 रखना है। और ह्यूमिडिटी है वो आपको रखना है 86%, 86% ह्यूमिडिटी रखना है। लोग आप देखोगे गूगल पे डालोगे कि आपके इंक्यूबेटर्स में ह्यूमिडिटी कितना रखना है, तो वहाँ पे मेंशन करते हैं 50%, 60%, ऐसे नहीं होता। हम इंडस्ट्रियल इंक्यूबेटर्स में 86% टू 85% सेटर में ह्यूमिडिटी रखना जरूरी होता है, तो ही आपका अच्छा हैचिबिलिटी आता है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आप देखिए हमारा ये पूरा 10,000 का पूरा ब्रांडिंग आता है, 10,000 कैपेसिटी सेटर, और ये थोड़ा हमारा ये लोगो एंड ऑल ऐसा पूरा सेटर का ये आता है। हम पूरा एक इंडस्ट्रियल बेसिस में पूरा पैनल बनाते हैं, देखो सभी एक ही लाइन में लग रहा होगा, आपको कहीं भी आबड़ खबड़ नहीं लग रहा होगा कि ये ऊपर है ये नीचे है, पूरा बारीकी से काम किया जाता है पैनल का। आप देख सकते हो कितना डिसेंट लग रहा है, मुझे तो लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है वीडियो में जरूर मेंशन कीजिएगा दोस्तों। तो उसके बाद मैं अभी आपको हैचर का बताऊं, अभी सेटर हैचर अलग अलग होता है, तो हैचर में टेम्परेचर डिफरेंस रखना अच्छा होता है, आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आपको क्या करना है इसमें हैचिंग में ना टेम्परेचर डाउन करना है, आप टेम्परेचर इसमें 99.2 से 99.5 तक रख सकते हो टेम्परेचर डाउन करना है और ह्यूमिडिटी अप कर देना है। आप सेटर में जो कि ह्यूमिडिटी रख रहे थे वो 86% रख रहे थे, लेकिन हैचर में 87% रखना है, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ह्यूमिडिटी 87% हैचर में होना जरूरी है, हैचर में टेम्परेचर को थोड़ा डाउन किया जाता है क्योंकि आपका एम्ब्रियो मतलब जो बच्चा है वो अंडे से प्रॉपर
बाहर आ जाए, इसलिए हम वैसे तरीके से किया जाता है। उसके बाद आपको तो ये दिख रहा होगा हैचर में भी एग्जॉस्ट वैन लगा है, एक साइड व्यू बताएंगे आपको, दिखा रहे कैसे यूज करना है। अभी इसके अंदर हम दिखाएंगे आपको मशीन प्रॉपर वेग के तरफ से फिट होना जरूरी है। मशीन के ऊपर 4 से 5 फीट का जगह होना चाहिए, जो कि है मशीन के ऊपर, ऐसा प्रॉपर टच नहीं चाहिए, थोड़ा हाइट पे होना चाहिए मशीन, मतलब ऊपर जगह होना चाहिए। आपका जो पतरा लग रहा है, आपका जो RCC कंस्ट्रक्शन है, वो थोड़ा हाइट पे होना जरूरी है। उसके बाद में इसका ये NCP सॉकेट आते हैं, ये NCP में आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेन सप्लाई है, जो कि मैंने देखो अभी बंद कर दिया तो मशीन बंद हो गया। ये इसका मेन सप्लाई है, इसमें बाद ये सेकेंडरी हीटर है और ये प्राइमरी हीटर है, ये दोनों हीटर इसमें लगे हुए हैं। और उसके बाद आपको मैं दिखा चाहूँगा, ये देखो ये देख सकते हो इसके अंदर जो ये मोटर्स लगी है, 1/3 की मोटर आती है, ये प्रॉपर इनफ होता है इंक्यूबेटर्स के लिए। आप देख सकते हो साइलेंट मोटर है, आपको जरा भी आवाज़ नहीं आ रहा होगा। उसके बाद ये इसका ए ग्रेड बेल्ट आता है, डिपेंड साइज आपको कितना बड़ा मशीन का पोजीशन है, इसमें हमने 95 का यूज़ किया है ए ग्रेड। अभी इसके बाद ना ये जो होता है ये एडजस्टेबल वेंट्स होते हैं, ये आपको मैनुअल एडजस्ट करना है। देखिए अभी मैं यहाँ को इसको पूरा क्लोज कर दूंगा और आधा ओपन रखूंगा। देखो मशीन के लिए नॉर्मल वे के लिए आपको इतना ओपन रखना जरूरी है, समझो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है तो इसको पूरा ओपन कर दीजिए, नो इशू। लेकिन अभी थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर है, यहाँ पे कूल मौसम है तो आपको थोड़ा क्लोज करना जरूरी है। ये आपको मैंने बता दिया ये एग्जस्टेबल वेंट्स होते हैं। उसके बाद ये ड्रेनेज पाइप होता है, ये ड्रेनेज पाइप कहीं पीछे लगा के आप कहीं भी निकाल सकते हो, वहाँ पेड़ पौधे लगा सकते हो, उनको पानी टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। मशीन जितना ज़रूरत होता है उतना वाटर लेता है, उसके बाद ड्रेनेज वॉल से निकाल देता है। इसके बाद ये आपको दिख रहा होगा ये सोलेनाइट वॉल बोलते हैं इसको, इसमें ये लाइन में वाटर सप्लाई देना है, उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से ये वाल उतना ही टेम्परेचर वहाँ लेता है। तो ये अभी वाटर नहीं होने के कारण ये थोड़ा बज रहा है, इसको ध्यान रखना है आपको। ये इसमें जब आप इसको लगाते हो तो इसमें वाटर होना बहुत ज़रूरी है, विदाउट वाटर इसको ऑन ना रखें तो आपको तकलीफें आ सकती है मशीन के बारे में। तो इसको इतना ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको इसमें वाटर फिल होगा तो ही सप्लाई देना है। अभी हम निकाल दे रहे हैं, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम आ जा सकता है। ठीक है, आपको इतना ध्यान देना है कि इसमें वाटर ना हो तो इसको ऑन नहीं रखना, नहीं तो ड्राई में हो गर्म होके खराब होने की संभावना होती है। वैसे ही इस हैचर में भी ऐसा ही एडजस्टेबल वेंट लगा है, आप देख सकते हो, ये भी आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। हमने एक नॉर्मल वे में एडजस्ट कर दिया है, देखिए इस हिसाब से आप उसका एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद में ये आप मोटर देखना चाहेंगे, यहाँ पे भी सेम मोटर आता है, इसमें भी ए ग्रेड बेल्ट लगाया गया है, उस हिसाब से इसमें भी 2 फेस आते हैं, मतलब सिंगल फेस में ही है, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कस्टमर्स को ये मशीन में सेटर को अलग फेस दीजिए, हैचर को अलग दीजिए, ताकि आपका मशीन प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से चलेगा। इसमें भी सेम प्राइमरी सेकेंडरी और मेन NCP सप्लाई होता है। तो आपको मैं फ्रंट से बताना चाहूँगा इसका वाटेज क्या होता है, इसका कितना इलेक्ट्रिसिटी लगता है, कितना वाटेज होना ज़रूरी है। मशीन का जो वाटेज है ओवरऑल, ये आपको 4 KVA में आता है, 4000 वाट आता है वाटेज। 4 KVA का पूरा सेटर हैचर मिला के है, आपको मंथ का आप इलेक्ट्रिसिटी देखोगे तो आपको एक 2 से 2500 रुपये इसका इलेक्ट्रिसिटी का मिला सकता है, जो कि आपको लो से लो वेटेज में बनाया गया। मार्केट में लोग कम बोलते हैं, हमारा 2000 का है, 2500 का, लेकिन उतना होता नहीं है, इससे ज़्यादा ही होता है, वो उनके सेलिंग के लिए कहे जाते हैं। लेकिन हम हमारे कस्टमर से कुछ भी झूठ नहीं बोलते, जो भी है वो सच बोल के चल रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे एक्स कैसे रखना है। ये देखो अभी इन्होंने एक्स रखा है, तो ये देखो ये आप ही कमेंट करो ये सही पोजिशन है क्या इसका, नहीं तो इसमें एक्स कैसे रखना है। एक्स को 2 साइड्स होती है, देखिए मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा, एक अपर साइड एंड डाउन साइड। हमारे मराठी लैंग्वेज में मेरे को थोड़ा आपको बोलने के लिए प्रॉपर नहीं जम रहा है, हमारे में थोड़ा अलग बोला जाता है। तो ये डाउन साइड है और ये अपर साइड है, सभी एक्स को रहती है। मोस्ट ऑफ जो ज़्यादा मुर्गियों का टाइम हो जाता है उसमें ये समझता नहीं है, दोनों साइड से सेम एक्स होता है। अभी मैं और एक एक्स है मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो ये प्योर देसी के
बर्ड्स है, बर्ड्स के एग्स है, मतलब प्योर देसी और कावेरी थोड़े मिक्स है लेकिन प्योर देसी की है। ये अकोला में मशीन फिट हुआ है, अकोला में मैं भी आया हूँ, कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट था कि आप भी आइए तो हम भी आए हैं, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इसका जो सेटिंग ट्रे है आप देख सकते हो, इसमें 100 नहीं 102 एग्स आते हैं, 2 एग्स SM इंक्यूबेटर्स की तरफ से एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब आपको हर टाइम 2 एग्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, पर ट्रे में 2 एग्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 100 ट्रेज आते हैं, मतलब कैलकुलेट कीजिए 200 एग्स आपको SM इंक्यूबेटर्स ज़्यादा प्रोवाइड करता है। 102 एग्स का ये सेटिंग ट्रे होता है, ये 5100 कैपेसिटी का ये सेट ट्रे है। तो इसमें एग्स कैसे रखना है मैं आपको बता देता हूँ, मेरे और भी वीडियोस होंगे लेकिन कोई यही वीडियो कंटिन्यू करना चाहता है तो उसमें ये आपको बार बार मिस नहीं करना पड़े, तो ये आपको ये डाउन साइड है ना वो नीचे रखना है, अपर साइड ऊपर रखना है, डाउन साइड नीचे रख के आप देखिए इस तरीके से आप रख सकते हो। ज्यादा छोटा होगा किसी का देसी का अंडा तो भी गिरेगा नहीं दोस्तों, देखो मैंने ये देसी का ही एग्स रख के बताया, तभी भी ऊपर इतना जगह, और भी छोटा रहेगा ना तभी भी इसमें आ जाता है, ये गिरते नहीं है इसमें से, तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपको क्या करना है ना, इसको टर्न के लिए अभी आपको हमने यहाँ रखा है और यहाँ स्टाइल्स लगना बहुत अभी पेंडिंग है, अभी मिस्त्री जी भी आए हैं लेकिन वो वीडियो के लिए रुके हैं, वीडियो जैसे ही खत्म होगा वो भी उनके काम पे चालू कर देंगे, फिर हम यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेटिंग ट्रॉली आपने देख लिया होगा, इसके बाद ये 1 to 18 डेज सेटिंग पीरियड होता है, मतलब आपको 1 to 18 डेज सेटिंग में रखना है, कोई 18वें डेज पे ही हैचिंग में डालता है, कोई 18 डेज के बाद हैचिंग में डालता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको मैं दिखाना चाहूंगा, कोई कोई इसके लिए कैंडल लगाते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए इस नॉर्मली आपको क्या करना है, मोबाइल का टॉर्च लाइट ऑन करना है, टॉर्च ऑन करने के बाद आपको एग्स है ना जो 18 डेज के बाद 18 डेज कंप्लीट हो जाते हैं ना, अभी इसमें आपको मैं ऐसा बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, तो आपको मैं बता रहा हूँ देखो, जो मैं एग्स के ऊपर लाइट पकड़ रहा हूँ तो पूरा क्लियर दिख रहा है, लेकिन 18 डेज पे आप देखोगे तो ये पूरा ब्लैक हो चुका होगा। ऐसे एग्स है वो आप अनफर्टाइल एग्स है वो वहाँ ही रिमूव कर दीजिए, और जो इसमें फर्टाइल एग्स आते हैं जिसमें पूरा ब्लैक होगा वो एग्स आपको हैचिंग के लिए रखना ज़रूरी होता है, वो हैचिंग के लिए रखोगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, मतलब जो अनफर्टाइल एग्स होता है उसके बैक्टीरिया दूसरे एग्स को लग जाते हैं तो उसके लिए आपका हैचिंग परसेंटेज कम आने की संभावना होती है, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, तो इतना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये आप इसमें और भी एक तरीके से कर सकते हैं, देखो हम ऐसे जब हम पोल्ट्री करते थे तो हमने उसके लिए कुछ टेबल वगैरह नहीं बनाया था, कस्टमर्स के पास वैसे भी जगह बहुत कम होती है तो वो टेबल भी जगह खा लेता है, आपके पास सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है तो आपके पास सब मतलब आप सबके पास टॉर्च तो फोन में अभी होती है, क्या करना है सिंपली ऐसे ट्रे रखे ना, तो ऐसा ट्रे पकड़ना है और यहाँ से ऐसा लाइट घुमा देना है पूरा ऐसा, अभी मैं यहाँ से ले लूंगा तो ये देखिए यहाँ पे किसी को पकड़ने लगा ना, तो टेबल लेके रखोगे तो टेबल पे ऐसा मोबाइल खाली शिफ्ट करना है, आप ऐसा शिफ्ट करके डायरेक्टली देख सकते हो जहाँ से ऐसा पूरा लाइट ऊपर आ रहा है वो अनफर्टाइल एग्स है, तो आपको ये रिमूव करने रहा है, ये हैचिंग में नहीं डालना है, अभी हैचिंग ट्रे यहाँ जगह कम होने के कारण यहाँ रखा नहीं है, बाहर है तभी मैं आपको बता दूंगा हैचिंग ट्रॉली कितना डिसेंट लगता है इसका, आपको मैं बताना चाहूँगा। मशीन के लिए जनरेटर की बैकअप के लिए आवश्यकता होती है, इसमें जनरेटर लगाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, जनरेटर नहीं लगाओगे तो आपको किसी भी तरह के से इन सोलर पे मतलब आप सोलर 10 kVA का लगाओगे तो 10,000 वाट का लगाओगे तो ही आपका मशीन चल सकता है, नहीं तो नहीं चलेगा क्योंकि उसके लिए तकलीफ आ सकती है, तो इतना ध्यान जरूर दे दोस्तों कि अपना खुद का आप मशीन ले रहे हो तो जनरेटर लीजिए। कोई कोई मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि हम इन्वर्टर लगाएंगे, लेकिन इन्वर्टर का लाइफ 2 साल होता है 2.5 साल होता है, उसके बाद तो आपको इन्वर्टर चेंज ही करना पड़ता है, लेकिन हमारा सजेशन ये होगा आपको कि आप इन्वर्टर ना लें, जनरेटर सेकेंड में ले लें और जनरेटर चलाएं, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपको उसी बैच में होगा, आपको बैटरी का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे तरफ से आपको पूरा ये गाइडेंस भी दिया जाता है कैसे प्रोडक्शन निकालना है, कैसे आपको इसमें से मुनाफा कमाना है, कैसे पेरेंट्स बर्ड करना है। अभी ये जिन्होंने मशीन लिया है उनके पास ओनली 100 बर्ड्स है, वो भी मैं दिखाना चाहूँगा कितना उन्होंने उनका डेयरी फार्म है पूरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये उनकी सभी उनके वर्कर्स और ये ऑनर है आप देख सकते हो,
और ये इनके वर्कर्स हैं सभी, आप देख सकते हो। मैं बाहर से आपको दिखाना चाहूँगा, तो यह इनके डेस्टिनेशन पे, इनका आने के लिए प्रॉपर रास्ता नहीं होने के कारण हम ट्रक में ट्रैक्टर में, उनका ट्रैक्टर था तो वहाँ पे लेके आए। इनका पूरा 5 एकड़ का प्लॉट है, आप देख सकते हो। ये पूरा यहाँ से 100 फीट लंबा उन्होंने पूरा पोल्ट्री बनाया है, आप देख सकते हो। उनका बहुत बड़ा टारगेट है, अभी 2 साल के बाद वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, रिटायर होने के बाद ये पोल्ट्री फार्मिंग डालने वाले हैं। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब प्रॉपर उनका ध्यान होने वाला है, तब तक वो पूरा सेटअप बना के रखे हैं, साइड बाय साइड वो चालू कर रहे हैं। देखो कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने उनका फार्म बनाया, देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से। प्योर देसी के मल रखे और कावेरी के बर्ड्स रखे, आप देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से। और यहाँ उन्होंने देखा होगा लोग चावल का ये लकल, हमारे इसमें तूस बोलते हैं मराठी में, मेरे को पता नहीं हिंदी में क्या बोला जाता है, वो रखते हैं। और ये पूरा ऑर्गेनिक पे करते हैं, ये कोई पोल्ट्री फीड नहीं खरीदते हैं। देखो आप देख सकते हो इन्होंने चावल रखा है, लेकिन ये अच्छा देना जरूरी नहीं, चावल देना अच्छा नहीं होता। आपको कभी भी ध्यान रखना है, आपका बर्ड्स लेयर पे आ रहा है तो वन टाइम तो आपको लेयर फीड देना जरूरी है, नहीं तो आपका हैचिंग परसेंटेज कम आ सकता है। अभी देख दिखा देते हो आपको वही प्रॉब्लम, इन्होंने देखो कैसे ऐसे झूले लगाए तो उसमें एग्स देने के लिए। अभी देखो यहाँ मेरे को एक मुर्गी का अंडा फूटा हुआ दिख रहा है, देखो ये फूटा हुआ दिख रहा है, ये क्यों होता है आपको बता देते हैं, ये क्यों होता है ऐसा आपको बता देते हैं। आप क्या करते हो, मुर्गियों को खाली चावल घी यही खिलाते हो, तो उसके वजह से क्या होता है, मुर्गी को कैल्शियम प्रोटीन्स कम गिरते हैं, वही खुद उसकी अंडी फोड़ के खा लेती है, तो उसको ऐसा नहीं करना है। यहाँ देखो उन्हें डालिया का कुछ क्रश डाला है, और इनका एक्चुअली 5 एकड़ में 100 बर्ड्स होने के कारण उनको बाहर ही सब मिल जाता है, उनको कुछ और से देने की जरूरत ही नहीं है। कैसे देखो घूम फिर के खा रहे हैं फ्री रेंज में, आप देख सकते हो। मैं वहाँ से भी बताना चाहूँगा, ये देखो यहाँ से तो 100 से ज़्यादा लग रहा है मुझे, 150 फीट लग रहा है, यहाँ से 150 फीट लंबा इनका पोल्ट्री है। इनका बहुत बड़ा टारगेट है, ये अभी तो स्टार्टअप 10,000 से किए है, लेकिन अभी थोड़े ही दिन में उनके एग्स भी आने वाले हैं, खुद का पेरेंट स्टॉक डेवलप करने वाले हैं। ये एकदम बिगनर्स है, इन्होंने स्टार्टिंग में ही 10,000 का मशीन लिया है, मतलब वो सोच रहे हम अच्छा मुनाफा कमाएंगे इसका। इनका डेयरी फार्म भी है, इनके पास 30-35 भैंसे है, उसके बाद उसका भैंस का जो गोबर निकलता है उसमें पानी डाल के वो ऑर्गेनिक कीड़े जो बनते हैं वो खिलाते हैं मुर्गियों को। आप देख सकते हो ऑटोमेटिक ड्रिंकर भी लगाया है इन्होंने, ऑटोमेटिक ड्रिंकर सिस्टम है, देखिए ऐसा पानी का ये प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है, एंटीबायोटिक दे रहे हैं ऐसा। मेरे को देखो कितने फ्रेश मुर्गियाँ हैं, देखो कोई भी ऐसा बीमार और ऐसा आपको दिखेगा नहीं, सभी फ्रेश है क्योंकि इनको पूरा ऑर्गेनिक मिल रहा है। देखो ये एग्स देने बैठी है मुर्गी, आप देख सकते हो पूरे प्रॉपर तरीके से एग्स देने बैठी है, तब वो एग्स लेने के बाद ये हैचरी में कलेक्ट करके, आपको देखो कितना डिसेंट लग रहा है। तो अभी हमने सर से पूछा कि ये आपका कितना फीट का है, तो उन्होंने बोला हमारा 400 फीट का है, अकोला में बर्लिंगा में ये 400 फीट का, मतलब उन्होंने प्योर देसी का मतलब हाइब्रिड और देसी का इतना बड़ा पोल्ट्री बनाया, देख सकते हो अभी अभी ही बनाया है, कुछ 6-7 महीने पहले बनाया है। अभी आपको मैं बाहर से दिखाना चाहूँगा, देखो इतना मस्त फ्री रेंज में उन्होंने रखा है, और मेरे हिसाब से ये शायद हल्दी के पौधे लगाए हैं जो कि मुर्गियाँ नहीं खाती है, देखो वैसे ही रखा मुर्गियों को फ्री रेंज में खाने के लिए, बहुत कुछ है। ये देखो हल्दियों के पेड़ लगाए, वो हल्दिया के पेड़ लगाने की वजह से मुर्गियाँ जो होती है वो हल्दी के पेड़ खाते नहीं है, उसके आजू बाजू का घास खाती है। इनका खुद का राइस मिल भी है, दलिया मिल भी है, खुद का डेयरी फार्म भी है, उसके साथ ये पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हैं। तो मैं मेरे व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, ऐसा किसी को बिजनेस करना होगा तो SM इंक्यूबेटर्स आप सभी को पूरा गाइडेंस देके आपको कितने कैपेसिटी का सूटेबल है उस हिसाब से आपको गाइडेंस देते हैं, और आपको कितने कैपेसिटी का लेना चाहिए वो पूरा डिटेल में बताता है। हमारा ये एम नहीं होता कि हमारे पास कस्टमर आए और हमें बेचना है, हम पूरा गाइडेंस देते हैं। तो आपको मैं अभी हैचिंग ट्रे बताना चाहूँगा, हैचिंग ट्रे और ट्रॉली कैसे आता है इस मशीन, जो कि SM इंक्यूबेटर्स आपको सेटिंग ट्रॉली और हैचिंग ट्रे दोनों प्रोवाइड करता है। देखिए दोस्तों सेटिंग ट्रॉली और हैचिंग ट्रे दोनों प्रोवाइड करता है। अब देखिए ये जो ट्रे है वो पूरे सेटिंग ट्रे है,
ये पूरे 100 ट्रे है वो ऐसे इंक्यूबेटर्स की तरफ से आते हैं। इसके बाद देखो ये हैचिंग ट्रे है, ट्रॉली, देखो कितना डिसेंट में ट्रॉली बनाया। आप ऐसा पूरा रिमूवर ये कर सकते हो, रिमूवर डाल सकते हो मशीन में, इस हिसाब से हम पूरा डिजाइन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा ये मशीन कैसे लिया, कैसे होता है, कैसे यूज करना है, कैसे आप इससे मुनाफा कमा सकते हो। तो किसी को भी ये आपको मशीन लेना है तो आपको SM इंक्यूबेटर्स की तरफ से पूरा गाइडेंस मिलेगा। आप इस मशीन से महीने का 40,000 से 45,000 रुपया कमा सकते हो मिनिमम स्टार्टिंग में, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। इसके बाद आप इसका पूरा जो इनकम है आपको मंथ का 45,000 से 50,000 रुपया आएगा। ये मिनिमम बताया है, मैक्सिमम मैं कभी नहीं बताता हूँ। मिनिमम आप खुद के एक चिक्स भी सेल कर सकते हो। आप इस मशीन में वीकली 3,333 एग्स रख सकते हो, मतलब 3,333 एग्स आप हर हफ्ते मशीन में रख सकते हो, एट ए टाइम भी रख सकते हो और बैच सिस्टम में भी रख सकते हो। लेकिन बैच सिस्टम में रखोगे तो आपका फायदा होता है दोस्तों, आप मंथ में 1,333 अंडों का प्रोडक्शन निकालते हो जो कि आपका पर वीक में सेल कर सकते हो। तो आपको हर वीक 3,333 डालना है तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। किसी को भी ऐसे बिजनेस के बारे में और जानकारी चाहिए जो पोल्ट्री बिजनेस में करना चाहता है, हाइब्रिड में करना चाहता है, देसी में करना चाहता है, ब्रॉयलर में करना चाहता है, जिनको इस बारे में पूरा नॉलेज चाहिए हमसे जरूर कॉन्टेक्ट करें। मैं कंपनी का ऑनर हूँ, SM इंक्यूबेटर्स का प्रोपराइटर हूँ, आप सभी को पता होगा। तो मैं मेरा नंबर हर जगह मेंशन किया हूँ तो वो भी मैं आपको कर देता हूँ। लेकिन किसी को कॉल का रिप्लाई नहीं आए तो वेट किए कीजिए, आपको कॉल बैक होएगा, और नहीं हुआ तो आप वापस दोबारा कॉल करके पूरा जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आपका बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट की वजह से हमारा अभी बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया है दोस्तों। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर दीजिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7020525035 दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।